गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराजचंद अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अपनी जो पाठ्यपुस्तक रिसोल्यूशन है उसका पहला पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आने पर इसे लाइक अवश्य करें। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका पार्ट फर्स्ट बताया था कि किस प्रकार से हरि सिंह नामक चोर ने अनिल से दोस्ती की, उसको अपने विश्वास में लिया था और विश्वास में लेने के बाद उसने चोरी करने का प्लान बनाया और अनिल जो था वो उस पर इतना विश्वास करता था कि वह अपने कमरे की चाबी भी दे चुका था ताकि वो कब मन चाहे जब आ सकता था और जा सकता था। अब आज के सेकंड पार्ट में उसने क्या किया, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिया है अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। तो सभी विद्यार्थी, अब मैं आपको ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ, इसलिए सभी अपनी पाठ्यपुस्तक खोलेंगे और जैसे जैसे मैं इसमें बोलूँगा आपको भी उसी तरह उसमें देखते हुए चलना है। तो देखिए, अनिल वाज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम और मूनलाइट स्प्रेड ओवर द बालकोनी। तो बीम और मून लाइट, तो हम यह देखेंगे मून लाइट क्या होता है, चांदनी, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। तो ए बीम यानी पुंज किरण, ए बीम और मून लाइट स्प्रेड ओवर द बालकोनी, उस बालकोनी के ऊपर से फैलने लगा। एंड फेल ऑन द बेड, और उस बिस्तर पर आकर पड़ा। आई सा अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं फर्श पर बैठ गया और वहां की स्थिति का जायजा लेने लगा कि एक्चुअल में वहां की स्थिति क्या है। सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति, लिखिए SITUATI, और सिचुएशन मीन्स स्थिति। तो फर्श पर बैठा हुआ था और वहां की सिचुएशन का आइडिया लगाना था। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यदि मैं पैसे को अभी चुरा लेता हूं तो मैं 10:30 बजे जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसको मैं पकड़ सकता हूं। टाइमिंग ऐसा था कि तुरंत चोरी कर लेगा तो ट्रेन को पकड़ लेगा और वहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट आगे दिए, स्लीपिंग आउट ऑफ ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलते हुए, आई क्रेप अप टू द बेड, मैं बिस्तर पर जाकर सरक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, यहां लिखेंगे आप पीसफुली, PEACEFULLY, पीसफुली होता है शांति पूर्वक। तो अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, शांति पूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। एंड अनलाइन और निश्चिंत, ये अनिल के चेहरे पर कोई चिंता की रेखा नहीं थी। अनलाइंड होता है निश्चिंत। तो हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस, ये मेरे चेहरे पर और भी अधिक निशान थे। दो माइंस वर मोस्टली स्कार्स, मेरी चिंताएं ज्यादा थी। अब उसने क्या किया, माई हैंड स्लिड
माई हैंड स्लिड अंडर द मेट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के अंदर सरक गया, मैंने मेरा हाथ गद्दे के अंदर सरकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों को क्या करने लगा, ढूंढने लगा। When I found them, जब मैंने उनको पाया, I drew them without a sound, वो गद्दे के नीचे जब वो नोट मुझे मिल गए, तो मैंने उन नोटों को बिना आवाज के drew out, means निकाल लिया। कहाँ निकाल लिया, गद्दे से बाहर मैंने निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep, अनिल ने नींद में गहरी सांस ली। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और वह मेरी तरफ मुड़ गया। टर्न TURN, टर्न यानी मुड़ गया, यानी उसने करवट बदल ली। आगे दिए वाज, आई वाज स्टार्टल्ड, मैं डर गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और शीघ्र ही क्रॉल्ड CRAWLED क्रॉल्ड आउट, बाहर निकल गया। क्या होता है इसका, देखिए, बाहर निकल गया यानी मैं शीघ्र ही कमरे से बाहर निकल गया। क्रॉल्ड आउट क्विकली आउट ऑफ द रूम, पैसे को लिया और शीघ्र कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर पहुंचा, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। सड़क पर आ गया और उसने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, मैंने नोटों को मेरे कमर पर रखा। Held there by the string of my pajama, उसने नोटों को कहां पर बांधा था, अपने कमर में, पाजामा का जो नाड़ा था, स्ट्रिंग में जो नाड़ा, डोर उसको कहते हैं, स्ट्रिंग में होता है डोर और पजामे का होता है नाड़ा, उससे बांधा हुआ था। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने चलने की गति को धीमा किया और रुककर नोटों को गिना। 600 rupees इन 50s, कितने थे, 600 rupees इन 50s, यानी 50-50 के नोट थे और कुल कितने थे, 600। आगे बताया, आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड अरब फॉर ए वीक और टू, मैं एक या दो सप्ताह एक ओल्ड अरब की तरह मैं रह सकता था। कौन, जो एक अरब का जो व्यापारी होता है ना, तेल व्यापारी, उसकी तरह मैं आराम से जीवन बिता सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office, स्टेशन पहुंच गया और बता रहा है कि मैं टिकट विंडो पर नहीं रुका। आई हैड, अब क्यों नहीं रुका, वो बता रहा है कि आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्यों, मैंने मेरे जीवन में कभी कोई टिकट ही नहीं खरीदा, तो आज कैसे खरीदूंगा। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा सीधा वो प्लेटफॉर्म पर चला गया, यानी जो जहां पर ट्रेन रुकती है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 रहती, तो सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस लगभग वहां से चलने वाली थी, यानी वो रवाना हो चुकी थी, स्पीड नहीं पकड़ी थी, बस मूविंग आउट, रवाना होने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, लेकिन रेलगाड़ी को अभी तक
उसको अपनी स्पीड लेनी थी, चल तो दी, लेकिन गाड़ी ने स्पीड नहीं पकड़ी। एंड आई कुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिएज, और मैं किसी भी एक डिब्बे में आसानी से छलांग लगा सकता था। चाहता तो मैं आराम से किसी एक डिब्बे में क्या है छलांग लगा सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचा गया। हेजिटेटेड ही, हेजिटेटेड हिचकिचाया, हेजिटेटेड में हिचकिचाया। कैरिएज CARRIAGE कैरिएज, ये होता है रेल का डिब्बा। क्या होता है कैरियर, रेल का डिब्बा। तो मैं किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचा गया। आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, वर्णन नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों हुआ। एक्सप्लेन तो वर्णन करना, वर्णन नहीं कर सकता कि मैं क्यों रुक गया। आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने रेलगाड़ी को खोने का, पकड़ने का चांस खो दिया। आराम से बैठ सकता था, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या आया, हिचकिचा गया और मैंने रेल को छोड़ दिया। ट्रेन चली गई, वो स्टेशन पर अकेला रह गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब रेलगाड़ी चली गई तो मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले पाया। क्या हुआ, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, केवल मैं अकेला था। I had no idea where to go. मेरे मन में कोई पता नहीं था, कोई विचार नहीं था, अब मैं कहां जाऊं। वेयर टू स्पेंड द नाइट, और रात को मैं कहां बिताऊं। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और वो ये विश्वास करता था कि जो दोस्त होते हैं ना, वो सहायता करने के बजाय कष्ट ज्यादा देते हैं, परेशानी में ज्यादा डालते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं नहीं चाहता था कि कोई जिज्ञासु बने। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, स्टेशन के निकट किसी होटल में रुककर किसी को जिज्ञासु बनाना नहीं चाहता। क्यूरियस, देखो CURIOUS, क्यूरियस है जिज्ञासु, यानी किसी के मन में ये बात नहीं है कि ये होटल में क्यों रुक रहा है। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास किसी होटल में रुकने के लिए किसी जिज्ञासु बनना नहीं चाहता। द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल एकमात्र व्यक्ति आई न्यू जिसको मैं जानता था रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब, वो बता रहा है कि मेरा कोई परिचित नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं, और वो व्यक्ति कौन है, अनिल। वो व्यक्ति कौन है बताइए, अनिल, जिसको मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन, अब ये सोचते हुए स्टेशन को वहां से छोड़ दिया। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और मैं बाजार से होकर पैदल पैदल चल रहा था, आ गया वहां से। समझ में नहीं आया कहां जाया जाए, ट्रेन भी निकल गई, अनिल के घर से भी चोरी करके आ गया, अब मैं कहां जाऊं। ऐसा सोचते सोचते वो वापस आ गया।
और कहां पर आ गया, बाजार में। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, चोर के रूप में एक मेरा शॉर्ट कैरियर था। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स पैसेज, मेरे व्यक्तियों के चेहरों को पढ़ाए। स्टडी ऑफ मेन्स पैसेज, मैंने व्यक्ति के चेहरों का अध्ययन किया है। वेन दे हैड रॉब्ड, दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स, जब भी अपना सामान खो देते हैं तो उनके चेहरे की सिचुएशन स्थिति क्या होती है, मैंने पढ़ा है। ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची व्यक्ति भय प्रकट करता है। रिच मैन शोड एंगर, धनवान व्यक्ति क्रोध प्रकट करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब व्यक्ति जो होता है वो क्या प्रकट करता है, संतुष्टि। चोरी होने के बाद भी उसे संतुष्ट ही होना पड़ता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था, क्या जानता था, कि अनिल का चेहरा, वेन ही डिस्कवर्ड अबाउट द थेफ्ट, जब उसे इस चोरी के बारे में पता लगेगा। वेन ही डिस्कवर्ड अबाउट द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता लगेगा, तो वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, क्या करेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, केवल वह हल्की सी उदासी प्रकट करेगा। दुख नहीं होगा उसको, क्या होगा, हल्की सी उदासी प्रकट करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ड्रग्स, तो नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लॉस पर नहीं बल्कि विश्वास के लॉस पर, कि उसने मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया। तो वो पैसे के लिए नहीं बल्कि विश्वास के टूटने पर वो थोड़ा उदास हो जाएगा, क्यों, वो जानता था पैसा तो खर्च होना था, लेकिन किसी व्यक्ति ने जिसको मैंने इतना विश्वास किया, कमरे की चाबी दी, उसने इतना बड़ा धोखा दिया। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भैयाओं ने, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज का लाभ लेते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।